नहीं बिल्कुल, कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी हमने वहां पर कह दिया है, और हमारी सारे हरियाणा में लगातार टेस्टिंग हमारी जारी है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छे स्तर पर सारे हरियाणा में हम करते हैं। वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है, और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है, तो ये चलते रहते हैं। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है। जो ऑक्सीजन है वो 4 गुना ऑक्सीजन ली अपने कोटे से, और इसको लेकर हरियाणा किस तरीके से देखता है आपके? झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आवश्यकता से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल की, और उससे जो अन्य प्रांतों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा, और उन प्रांतों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोगियों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन उन्होंने प्राप्त की उसका उन्होंने क्या किया, कहीं उसको बेचकर मुनाफा कमाने का काम तो नहीं किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सर, हरियाणा के अंदर भी अब डेल्टा प्लस के जो मामले हैं वो सामने आने लगे हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रबंध किए गए? नहीं, सरकार पूरी तरह से तैयार है, और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं, और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।